स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी डन मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग एज वेल एज फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग और वी कैन से दैट वाई कंट्रोलिंग इज कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. नाउ कंट्रोलिंग इज जस्ट लाइक अ ट्रैफिक सिग्नल. इट इज जस्ट लाइक अ ट्रैफिक सिग्नल which is very essential to ensure accident free and smooth flow of traffic. Similarly, control guides different departments of an organization in the right direction. सो जस्ट लाइक अ ट्रैफिक सिग्नल, जैसे ट्रैफिक सिग्नल आपने देखा होगा जब आप रोड पर जाते हैं तो वहाँ ट्रैफिक सिग्नल बना होता है, ट्रैफिक लाइट्स होती हैं यहाँ पर आपकी, रेड ग्रीन येलो थ्री लाइट्स यहाँ पर होती हैं. रेड लाइट आपको रोकने के लिए कहती है एंड जब ग्रीन लाइट होती है तो आप चलते हैं एंड येलो लाइट आप रेडी हो जाते हैं. इसी तरह से कंट्रोलिंग भी हमारा एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह काम करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में. जिस तरह से ट्रैफिक सिग्नल एक्सीडेंट्स होने से रोकता है और स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक में हेल्प करता है, उसी तरह से कंट्रोलिंग भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करता है, उन्हें गाइडेंस देता है ताकि उनकी वर्किंग राइट डायरेक्शन में हो एंड ऑल एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड सेट इन द ऑर्गनाइजेशन और सेट एट द प्लानिंग स्टेज. सो ऑल द एक्टिविटीज़ इन कंट्रोलिंग आर ऑल्सो परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गनाइजेशनल गोल. सो वट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग? इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग कैन बी डिफाइंड एज और कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट इज अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. यस, एज ऑल ऑफ यू नो दैट ऑल एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. जस्ट लाइक अदर फंक्शंस, कंट्रोलिंग इज़ ऑल्सो परफॉर्म्ड फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. वाई? बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ कंट्रोल no activities can be carried out according to plans and targets may be missed. So there may be delay in the assigned task and results may not be accomplished. तो यहाँ पर controlling क्या काम करता है? Controlling या control keeps constant watch over performance so that mistakes are immediately detected and corrected. And with the help of controlling Every attempt is made to keep the activities on the right track so that planned results could be achieved. So what is given here? कि controlling क्या काम करता है? Control हमें जो हमारी activities है, जो हम organization में काम कर रहे होते हैं तो हमारी activities को हमारे managers constantly watch करते हैं,
और हमारी मिस्टेक्स को इमीडिएटली डिटेक्ट किया जा सकता है और उन्हें टाइमली एक्शंस लेकर करेक्ट किया जा सकता है। तो कंट्रोलिंग की हेल्प से हर एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर ट्रैक पर होगी, अकॉर्डिंग टू प्लान्ड एक्टिविटीज़ होगी, सो दैट प्लान्ड रिजल्ट्स कैन बी अचीव्ड। सो कंट्रोलिंग हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। नाउ सेकेंड वन इज़, और क्या बेनिफिट हो सकता है हमारा कंट्रोलिंग का? नंबर टू इज़ जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, ये जज करना कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं हैं, वो अचीवेबल हैं या नहीं हैं। कई बार जो हम अपने स्टैंडर्ड सेट करते हैं हम इस चीज़ का ध्यान में नहीं रखते कि इन्वायरमेंट चेंज हो चुका है, ठीक है। मान लो हमने पहले स्टैंडर्ड सेट किया था कि हम 100 यूनिट ही बना पाते थे इन अ वीक, तो इस बार भी हमने यही 100 यूनिट्स अ वीक का टारगेट सेट कर दिया, स्टैंडर्ड सेट कर दिए। बट नाउ द सर्कमस्टांसिस हैज चेंज, पहले हमारे एम्प्लॉयज़ इतने ज़्यादा ट्रेंड नहीं थे, ठीक है, और ना ही हमारे पास लेटेस्ट अपडेटेड मशीनरीज थी, तो हम केवल 100 यूनिट ही बना पाते थे। बट नाउ द टाइम इज़ चेंज, अब हमारे पास ट्रेंड एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, और हमारे पास क्या है, लेटेस्ट मशीनरी है, तो अब हम इससे क्या कर सकते हैं, बेटर मशीनरी और बेटर ट्रेंड एम्प्लॉय से हम ज़्यादा यूनिट्स बना सकते हैं। मान लो पहले हम एक वीक में 100 यूनिट बना सकते थे और अब हम जो है 500 यूनिट्स ही बना सकते हैं, 500 यूनिट्स भी बना सकते हैं। तो हम आए अपने टारगेट्स को रिवाइज़ करना चाहिए, तो ये चेक करना कि जो तुमने स्टैंडर्ड्स बनाए थे वो एक्यूरेट हैं थे या नहीं थे। या फिर एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसमें कि मान लो आपने स्टैंडर्ड सेट किए थे यही 100 यूनिट बनाने का इन अ मंथ या फिर इन अ वीक, सेम लेते हैं, ठीक है, लेकिन वर्कर्स अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी 100 यूनिट्स एक वीक में नहीं बना पाते थे, और कितनी बनती थी, मैक्सिमम जो हमारे वर्कर्स थे सभी 100 यूनिट्स की जगह केवल 90 यूनिट्स ही बना पाते थे, ठीक है। तो हमने क्या देखना है यहाँ पर कि हमारे स्टैंडर्ड्स बहुत ही हाई सेट किए गए, इन दैट कंडीशन वी शुड रिवाइज अवर स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड कि एन इफेक्टिव कंट्रोल एन एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स मैनेजमेंट टू जज whether standards or targets are accurate or not, and these must be objective, these must be achievable and reliable. तो इसके लिए हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल किस तरह से हेल्प करता है? इट कीप्स अ केयरफुल चेक ऑन द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन द एनवायरनमेंट एंड हेल्प टू रिव्यू एंड रिवाइज द स्टैंडर्ड्स इन द लाइट ऑफ such changes. कि अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे मैनेजर्स हैं वो केयरफुली चेक करते हैं कि क्या चेंजेस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में या फिर इन्वायरमेंट में। तो कंट्रोलिंग के थ्रू हम अपने स्टैंडर्ड्स को टाइमली रिव्यू कर सकते हैं, टाइमली रिवाइज कर सकते हैं इन द लाइट ऑफ सच चेंजेस। तो ये कंट्रोलिंग सिस्टम ही है जो कि ये पता लगाने में हमारी हेल्प करता है वेदर स्टैंडर्ड्स आर accurate or not.